नमस्ते किसान भाइयों, जैविक खेती गाय पालन चलो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसमें हम तो आप देख सकते हैं आज इस प्रकार से हम बैंगन अपने टेरिस गार्डन में या घर पे कैसे लगा सकते हैं पुराने ड्रम के अंदर, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार से आज हम आपको बैंगन लगाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पुराना जो बैंगन होता है उसमें से जो पका हुआ होता है उसमें से इस प्रकार से बीज निकाली और नींबू और बैंगन के अंदर इस प्रकार से रखिए। एक से दो दिन रखने के बाद में जो बचा हुआ अवशेष है उस बैंगन को उसके अंदर डाल दीजिए और उसके जो बीज है वो भी इस प्रकार से इसके अंदर डाल दीजिए। जो बैंगन का पुराना अवशेष है वो तो खारा काम करेगा और बीज होकर जर्मिनेशन हो जाएगा। इस प्रकार से कोकोपीट वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स अनुपात में बीज डालिए और बीज डालने के बाद में आप इस प्रकार से 200 लीटर का ड्रम लीजिए और इस प्रकार से उसको बीच में से काट लीजिए। 1 लीटर की एक बोतल लीजिए और इस प्रकार से उसको शोल्डर की मदद से छेद कीजिए और इस प्रकार से उसको मेल फीमेल टाइप से आप कनेक्ट कर लीजिए और नीचे की तरफ बढ़िया मात्रा में इसमें शोल्डर लगा दीजिए और उसके बाद इस प्रकार से आप छोटे छोटे जो पानी के पाइप हो इस प्रकार से आप लगा दीजिए, ड्रिप के समान काम करेंगे। और एक एक फिट के अंतराल पर आप इस प्रकार से इसको बोतल को रखिए और प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से इसको काम में लीजिए। और हमने जो आज 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद इस प्रकार से हमने जो नर्सरी तैयार की है वो उसको ट्रांसफ़र कीजिए और इस प्रकार से इसके अंदर आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसको बढ़िया मात्रा में आप इस प्रकार से डालिए, इसको प्रॉपर तरीके से भर दीजिए। ड्रिप के समान इसमें बूंद बूंद सिंचाई से इसमें पानी आता रहेगा और करीब 20 से 25 दिन बाद में इस प्रकार से चारों तरफ से आपको इसमें ब्रांचें लगानी है। ब्रांचें लगाकर इसको ऊपर की तरफ कर रखना और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप इसमें सिंगल सुपर फास्फेट देना आपको लिक्विड खाद के रूप में और एनपीके देना और प्रॉपर तरीके से इसमें पानी देने का काम करते रहना। और आप देखिए करीब इसके अंदर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे और मिर्ची का स्प्रे करेंगे। मिर्ची काट कर रात पर पानी में रखिए और जब फाल आए तब इस प्रकार से इसका स्प्रे करिए और इस प्रकार से जब 70 से 80 दिन बाद में इस प्रकार से करेले आ जाएंगे आप उनकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए और आपको 80 दिन बाद में आएंगे। इसमें प्रॉपर तरीके से स्प्रे करना